हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ओवर इंडिया जो हमने 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्त ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडिशन, अभी भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना। देखो मेरे दोस्त, जब भी आपका फिजिकल स्टार्ट होता है उससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ले जाना। अब देखो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाने, क्या कुछ ले जाना, सब कुछ एक एक चीज को क्लियर करूंगा। उससे पहले बता दूं आपको, 16 अगस्त के बाद आपके लिए एक डेट लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपको BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड स्टूडेंट की स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके चारों सब्जेक्ट आपको जीरो से हीरो लेवल वाले करवाए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे, हर डिटेल, हर जानकारी आपको हर एक बच्चे तक पहुंच सके। मैं ये नहीं कहता कि कोई जानकारी की अभाव से भाई रह जाए। मैं बता दूं आपको BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स जो महत्वपूर्ण है वो चीज देखो। बात आती है 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए और फोटोकॉपी चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए और फोटोकॉपी चाहिए, यदि आपने लगा रखी है तो। बात करता हूँ यहाँ पर डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है भाई, वो आजीवन मान्य रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप अपना निवास स्थान चेंज नहीं करते हो। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महत्वपूर्ण सवाल से भाई, जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए? तो जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का चाहिए भाई, सेंटर का आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। स्टेट का जाति प्रमाण पत्र से उनसे कोई लेना देना नहीं है, सेंटर का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो इंग्लिश वाला होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद बात लेते हैं एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र। ये तीन चीज आपके लिए, ये पांच चीज है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको एक वोटर आईडी या आईडी प्रूफ चाहिए, जिसके अंदर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड, ये चीज यहाँ पर मान्य हो रही है। यानी एक पहचान पत्र जिसके अंदर फोटो युक्त पहचान पत्र आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त, पांच फोटो कम से कम आपके पास होने चाहिए और एक पेन आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों ये बोल रहे हैं सर मेरे जाति प्रमाण पत्र में नाम में मिस्टेक है, कोई बोल रहा है मेरा एक्सपीरियंस के नाम में मिस्टेक है, कोई बोल रहा है ये मिस्टेक है। देखो दोस्त, आपके नाम में मिस्टेक हो या ना हो, ये बता दो, आपके एक तो आईडी प्रूफ, एक तो आईडी प्रूफ और आपका यहाँ पर फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो फॉर्म में डिटेल दी गई वही तो आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर, यदि तीनों में इनमें सेम है तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी देखो अपडेट आपको भाई करता रहेगा, यहाँ पर यदि तीनों सेम है तो आपके लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है, बाकी भी अपडेट आपको भाई देता रहेगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका आजीवन, जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का 12 महीने के, यदि ज्यादा भी है 2-4 महीने तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा वो महत्व नहीं दे रहे, बेसब वाले एक्सपीरियंस को सब बता रहे हैं भाई 200 रुपए दे के बनाए, 200 रुपए दे के, वो सबको पता आप कैसे बनाते हो, कोई काम नहीं किया, मेरे को पता, आप सबको पता है, मतलब तो आपको एक्सपीरियंस किस तरीके से बनाते हैं। बाकी अपडेट ये डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो बनाना नहीं चाहता, पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यार दिन के अंदर 15 से 20 फोन आ जाते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ जाते थे, तो डॉक्यूमेंट्स वाले जरूर देख लो मेरे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद ही आप फिजिकल देने दो, ताकि आपको यहाँ पर कोई चीज की कमी महसूस ना हो। बाकी अपडेट आपको भाई आपको देता रहेगा BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडिशन की, हर दिन हर पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, आगे भी मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।